السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. محترم علماء اکرام, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का इस दुनिया में निज़ाम है, ये अल्लाह सुबहानहू व तआला का कानून है कि उसने इस ज़मीन पर, उसने इस कायनात में जिसे भी जान बख्शी है उसे एक ना एक दिन बेजान होना है। जिसे अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सांसें दी है उसके सांसों की यह डोर एक दिन टूटने वाली है। यह अल्लाह सुबहानहू व तआला का दस्तूर है, उसका निज़ाम है कि जो भी आया है अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जिसे इस दुनिया में जीने का मौका दिया है उसे अपने ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में जो कुछ उसने हासिल किया है उन सारे चीज़ों को छोड़कर अपने पीछे उसे इस दुनिया से जाना है। यूं तो मौत हर इंसान की होती है, हर इंसान की इस दुनिया में मौत होती है और ये मौत उसके लिए और उसके तमाम मुतालिकीन के लिए, तमाम अज़्ज़ा व अक़रबा के लिए, सारे लोगों के लिए बाइस मुसीबत होती है। उसके अज़्ज़ा व अक़रबा के लिए भी आजमाइश का वक्त होता है और उसके लिए बज़ाते खुद एक लंबे सफ़र की शुरुआत होती है। तो ये बज़ाते खुद उसके लिए भी आजमाइश होती है और जो उसके मुतालिकीन हैं, जो उसके दोस्त अहबाब हैं, जो उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, जो उसके घर वाले हैं, इन सारे लोगों के लिए ये बाई से मशक्क़त होती है, बाई से आजमाइश होती है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी भी होती हैं, कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि जिनके जाने के बाद इस दुनिया में उन्हें कोई याद करने वाला नहीं होता है। कुछ मौतें ऐसी होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यस्तरीहु मिनुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब, कि ऐसे लोग भी इस दुनिया से जाते हैं कि उनसे लोग चैन हासिल कर लेते हैं, सुकून पा लेते हैं लोग। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि इंसान, चरिंद परिंद, चौपाए, पेड़ पौधा सब उनसे, उसके जाने से सुकून और चैन महसूस कर लेते हैं। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो उनका जाना सिर्फ एक दाद और एक हस्ती की वफात इस दुनिया से नहीं होती है, बल्कि उनके उनका जाना ऐसा होता है कि एक तरफ वो अल्लाह की नेमतों में पहुंच जाते हैं, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वइन्नल अब्दल मुमिन यस्तरीहु मिन नसबिद्दुनिया व अदाहा इला रहमतिल्लाह,
कि बंदे मोमिन जब इस दुनिया से आंखें बंद करता है तो वो कहाँ पहुँचता है? वो दुनिया की सारे तकलीफों और सारी मुसीबतों को छोड़कर अल्लाह की रहमत के आगोश में चला जाता है। और ये मौत सिर्फ उसकी मौत नहीं होती, ऐसे लोग इस दुनिया से जाते हैं कि ये मौत सिर्फ उसकी मौत नहीं होती, बल्कि वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन होती है, वो अपनी ज़ात में एक उम्मत की हैसियत रखती है जिसकी तरफ लोग अपने मसाइल में रुजू करते हैं, लोग जिसकी तरफ अपने मुश्किल घड़ी में जाते हैं उसके पास। ख़ास तौर से जब एक आलिम की वफ़ात हो जाए, एक आलिम की वफ़ात हो जाए तो उसकी ये वफ़ात सिर्फ उसकी वफ़ात नहीं होती है, सिर्फ उसकी वफ़ात नहीं होती है, बल्कि ये वफ़ात उसके साथ, उसके जाने के साथ साथ ये बसा औकात ज़लालत व गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाली होती है। और ये मौत उसके साथ इल्मे की मौत होती है, उसने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल किया था वो सब लेकर इस दुनिया से वो चला जाता है। ऐसा ही एक हादसा और एक वाकया कल पेश आया है जो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को खबर हो इसकी। वो ज़ात अगर मैं ये कहूँ, अल्लाह के फजल व करम से ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे 12-13 साल तक मक्का मुकर्रमा में हरम मक्की के जेवार में रहने का मौका दिया, और यहीं पे उस हस्ती से मेरा तारुफ हुआ और वहीं से ये ताल्लुक़ कायम हुआ, जिसकी ज़ात के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बयान कर सकूँ उनके बारे में। लेकिन वो मौत जो कल रात में हुई, वो मौत सिर्फ़ एक ज़ात, आने जाने वाले तो ये दुनिया है, दुनिया में लोग आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन जब मौत ऐसी हो कि इमाम बुखारी के ज़माने में उनकी वफ़ात पर मोहम्मद अल-बैकंदी ने एक जुमला कहा था जो आज मुझे याद आ रहा है। मोहम्मद अल-बैकंदी ने कहा था कि लव कदिरतु अन अज़ीद मिन उम्री मुहम्मद मिन उम्री लफ़अलतु, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सांसें मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी को हेबा कर देता, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सांसें मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी को हेबा कर देता, क्योंकि मेरी मौत तो एक इंसान की मौत है, एक आदमी की मौत है ये, और मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी की मौत यकूल मौतुहु मौत अल-आलम, मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, बल्कि उनकी मौत पूरे दुनिया में और पूरे दुनिया के इल्म की मौत है। तो ये इमाम बुखारी के ज़माने में इमाम बुखारी के मुआसिर और उनके साथी ने कहा था कि अगर मेरे बस में होता तो मैं अपनी सांसें हेबा कर देता। तो आज जिसकी बात लेकर मैंने अपनी बात शुरू की, ये कोई मामूली हस्ती नहीं, जो भी इल्मी दुनिया से शगफ रखता है उसके लिए मोहम्मद उज़ैर शम्सी की शख्सियत ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, ये ऐसा मुतवाज़े बंदा था जिसने अपने लिए ना तो कभी स्टेज सजाया, ना तो सोशल मीडिया पर उनके बारे में लंबी लंबा चौड़ा तराना गाया गया, ना तो वो ऐसा बंदा था जिसके आगे पीछे पूरी जमात लगी हुई हो, लोगों के बीच में वो चल रहे हैं जिनको देखकर अंदाज़ा हो कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन आज वफात के बाद आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं, मैं सिर्फ बल्ले सगीर की बात नहीं कर रहा, पूरे आलमी इस्लाम की बात कर रहा हूँ, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, इमारात हो, पूरे आलमी इस्लाम में ट्विटर से लेकर फेसबुक, व्हाट्सअप, जितनी भी सोशल मीडिया है, हर जगह लोग ताज़ियत की कलिमात कह रहे हो, साथ साथ ये कि ये मौत इल्म तहकीक की मौत है, ये मौत ऐसी मौत है जहाँ इल्म का एक ऐसा सितारा जो जारी था जो डूब गया, और जिसकी तलाफ़ी जाने वाले तो चले जाती है, लोग पैदा होते रहते, लेकिन ये ऐसा सितारा था जिसके डूबने के बाद अब उसकी तलाफ़ी तकरीबन नामुमकिन है। तो इमाम बुखारी के ज़माने में जो बात उनके मुआसिर ने कही थी, वो जुमला मुझे कल रात से याद आ रहा था कि उस वक्त लोगों ने कहा था कि अगर कितनी ऐसी किताबें थी जो इनके ज़रिए मंजर आम पर आई, तो ये मौत तो सबकी होती है, लेकिन ये मौत हमसे बहुत कुछ कह रही है, हमसे मौत बहुत कुछ कह रही है, और उन्हीं चंद बातों को मैं बयान करूंगा आप लोगों के सामने। देखिए, दुनिया में जो भी आया है,
जब अगर किसी को लौका नफी दुनिया बकाऊ लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मद, अगर दुनिया में कोई बाकी रहता, अगर दुनिया की जिंदगी में किसी को दवाम और इस्तेकरार नसीब होता तो वो कौन था? वो हम सब के नबी थे। शायर ने कहा कि लौका नफी दुनिया बकाऊ लमा मात खैरुल मुरसलीन मुहम्मद, अगर किसी को दवाम मिलता, किसी को हमेशगी की जिंदगी मिलती तो वो तो हमारे नबी होते। लेकिन हमारे नबी को भी हमेशगी की ज़िंदगी नहीं मिली, हमारे नबी को भी हमेशगी की ज़िंदगी नहीं मिली, और आपको भी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इस अटल कानून की तरफ कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इशारा किया और ये दो टूक अंदाज में कहा कि नबी आप लोगों से ये कह दीजिए कि ये ज़िंदगी ये चंद दिन की है। अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैब ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون। कह नबी आप लोगों से कह दीजिए कि ये मौत जिससे तुम भाग रहे हो, قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم, ये मौत तो अनकरीब तुम्हें अपने काबू में करने वाली है, ये मौत अनकरीब तुम्हें अपने काबू में करने वाली है। قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, अगर मामला यहीं पे ख़त्म होता कि मौत और मौत की सख्तियाँ सिर्फ यही होती तो कुछ हद तक मामला आसान था। उसके बाद अगला मरहला अल्लाह ने फरमाया कि तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम थुम्मा युनब्बिउकुम, फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ तुम लौटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे सारे आमाल की खबर देगा। ज़िंदगी में जो हमने खलवत में किया है उसका भी अल्लाह सुबहानहु व तआला को इल्म है, जो जलवत में किया है लोगों के बीच में किया है उसका भी इल्म है। तो सबसे कठिन मरहला ये है कि जो कुछ हमने किया है उसका वाज़े खुली हुई किताब अल्लाह सुबहानहु व तआला हमारे सामने हाजिर कर देगा। वउज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यकूलून या वैलतना मा ली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ज़रा याद कीजिए उस मंजर को, वउज़िअल किताब, किताबें रख दी जाएगी, हाजिर कर दी जाएगी। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, जो मुजरिमीन है वो देख कर डरने लगेंगे, इसलिए कि जिंदगी में जो बड़े बड़े पाप और बड़े बड़े जराए में उसका नक्शा सामने, उसका मंजर घूमने लगेगा। पतर मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी व यकूलू या वैलतना मा ली हाज़ल किताब, कहेंगे हाय काश इस किताब में तो सब कुछ है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िर, जो कुछ किया है सब हाज़िर हुआ। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, ये यकीन रखो कि रब्बे ज़ुल जलाल ज़ुल्म करने वाला नहीं है। तो ये कानून इंसान इस निज़ाम को हमेशा अपने दिमाग में जारी रखे कि इंसान जो भी इस दुनिया में उसे जाना है। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, उसकी सख्तियों से हर इंसान को गुजरना, ये मरहला किसी से छूटने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा, और फिर क़ियामत के दिन पूरा पूरा बदला इंसान को दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनि नारि व उदख़िला अल-जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और दुनिया में कामयाबी का मियाद जो भी हो, दौलत व सरवत, ये कामयाबी है, माल व मनाल, जायदाद, प्रॉपर्टी, शोहरत, ये सारी चीज़ें कामयाबी का मियाद हो सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ दर हकीकत कामयाब वो है जो जहन्नम के आग से बच जाए। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिला जिसे मिल गया, فَقَدْ فَازَ, यही आदमी कामयाब है। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, और ये यकीन रखो कि ये दुनिया धोखे के अलावा कुछ नहीं है, ये दुनिया एक धोखे का सामान है, इंसान उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, किसे इस बात की खबर होती है, किसे इस बात की खबर होती है कि ये नमाज उसके ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। लोग उसके बारे में गवाही दे रहे हैं कि ऐशा के वक्त साढ़े आठ से पहले का वाकिया है वफात का, मगरिब की गवाही दे रहे लोग कि हमने उन्हें मगरिब की नमाज में देखा था।
मगरिब की नमाज में हमने उन्हें मस्जिद में देखा था। तो किसी इस बात का न उन्हें न किसी भी जाने वाले को इस बात का इल्म नहीं होता है, अंदाजा नहीं होता है कि एक अच्छा भला इंसान जो किसी भी तरह की बीमारी से नहीं घिरा हुआ था, जो दूसरों से हम लोग उनकी मिसाल देते थे कि आदमी सेहतमंद हो तो इस तरह, लोग उनसे पूछते थे आपकी सेहत का राज क्या है, किसी इस बात का अंदाजा था कि ये नमाज, ये मगरिब की ये नमाज, ये जिंदगी की आखिरी नमाज है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल, ये दुनिया तो धोखा है, जो चाहे हम हो या कोई भी जो भाग रहा है, ये धोखा ऐसे वक्त में टूटता है, इस तरह मामला सामने आता है कि सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ नहीं बचता, सिवाय हसरत और अफसोस के कुछ नहीं बचता। तो अल्लाह ने फरमाया कि वही नमा तो वफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिल नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर, ये दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक धोखा। यहाँ हर आदमी अपने आप को धोखा दे, जितने इंसान है इस दुनिया में वो सब अपने आप को धोखा दे कि हम हसरत व अफसोस पर अपनी औकात को टालते रहते हैं। आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे, कल से पढ़ेंगे, कल आएगा, कल नहीं परसों से पढ़ेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी खेलने कूदने की उम्र है, हम मुस्तकबिल में सुधर जाएंगे, शादी के बाद हम दीन के रास्ते पर चलने लगेंगे। ये तस्वीर है, ये कल पर टालना ये शैतान का वसवसा है, और ये कल किसी ने नहीं देखा, ये कल किसी ने नहीं देखा। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया सिर्फ धोखा है। आप ज़रा उस सख्ती का तसव्वुर कीजिए, इन सब बातों को क्यों बयान किया जाता है, इन सब बातों को इसीलिए बयान किया जाता है ताकि इंसान अपने दिलों की इस्लाह करे। नबी अलैहिस्सलाम का ये उसलूब था, ये तरीका था कि आप जब भी ऐसा मौका देखते थे आप लोगों को नसीहत करते थे। कब्र के पास जब आप होते, कई एक रिवायत थी, कब्र के पास आप हैं, वक्त मिलता आपने लोगों से कहा कि इस टाइम दो लिमित लिहाज ले लो, इस तरह के दिन के लिए तुम भी तैयारी करो, इस तरह के दिन के लिए हम भी तैयारी करें, इसलिए कि ये दिन सबके ऊपर आने वाला है। जिस सख्ती का, जिस आयत को मैंने सूरह काफ की बड़ी मशहूर आयत है, खुतबे जुमा में आप सुनते होंगे, सूरह काफ की आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वजा असकरतुल मौत बिल हक, वजा असकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीन, मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंचिए, और यही वो चीज़ है जिससे हम भागते थे। इसलिए कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, कुछ तो ये होते हैं जो मौत की बातों को सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सुनते हैं तैयारी करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीन, यही वो चीज़ है जिससे तुम भागते थे, तो मौत की सख्ती हर इंसान को उससे दो चार हो गए। फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब रूह निकलना शुरू होती है, रूह हलक तक पहुँच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तुम देखते रहते हो, इंसान देखता है, जो उसके गिर्द पेश में सब देखते हैं कि इस आदमी पर गुजर क्या रही है, इस आदमी पर क्या गुजर रही है, उसके ऊपर कैफियत क्या है, पैसा माल दौलत सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, बस औकात इंसान कुछ नहीं कर पाता है। अभी कल एक बड़े पैसे वाले लड़के, बड़े पैसे वाले वालिद का लड़का, वो अपनी माँ के बारे में कहने लगा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बारे में ये कहा जाए कि सब कुछ होते हुए हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कि मेरी फला रिश्तेदार के साथ यही हुआ कि इतना पैसा होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके, और यही होता है, यही हकीकत है दुनिया की। ये पैसा फैगा जा अजलुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब अजल और जब वक्त आ जाता है तो ज़र्रा बराबर पल भर भी आगे पीछे नहीं हो सकता, पल भर भी आगे पीछे नहीं होता है कि आप अपने माल व दौलत से कि एक सांस में एक पल में इजाफा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। फैजा जा अजल, जब वक्त मौऊद आ पहुँचता है जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि यही वो चीज़ है जिससे तुम भागते थे और इसका सबको सामना करना है। वो जा सकरतुल मौत बिल हक फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन वज़न्ना अन्नहुल फिराक, कि इंसान ये सोचता है जब उसे यकीन हो चलता है कि अब ये जुदाई का वक्त है, कहा जाता है कि कोई झाड़ फूंक करने वाला है, कोई आए फूंक दे, कोई झाड़ फूंक कर दे, कुछ शायद
तकफीफ हो जाए गम में परेशानी में, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसलिए कि वक्त मौत आ जाता है, अल्लाह का फरमान जो अल्लाह ने उसके पैदाइश से पहले जितनी सांसें उसे दी थी वो सांसें पूरी हो चुकी है, तो और उसके बाद उसकी आंखें बंद होने का वक्त आता है। तो अल्लाह ने फरमाया, जगह जगह कुरान में इस हकीकत को वादे किया और फरमाया, ये भी वादे किया कि यहीं से मामला अलग होने लगता है। जिन लोगों ने अपने जिंदगी में अल्लाह के दीन को अपनाया है, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, नमाजों को कायम किया है, दीन के लिए उनके लिए पास वक्त था, दीनी महफिलों में आने के लिए उनके पास वक्त था, तो उनसे अल्लाह सुभान व तआला जब आंखें बंद होने लगती है तो उनसे क्या कहा जाता है? अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु वल्ला तख़ाफू अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू अबशिरु बिल जन्नतिल्लज़ी कुंतुम तुअदून। जो लोग जिन लोगों ने यह कहा इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब, यानी जो तौहीद पर जिंदगी भर जमे रहे, जो जिंदगी भर एक अल्लाह को रब मानते रहे, जिन्होंने एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपनी जमीन नियाज को कभी खम नहीं किया, अपने आप को झुकाया नहीं दुनिया में किसी हस्ती के सामने, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उसी पर जमे रहे, पूरी जिंदगी तौहीद पर कायम रहे, अल्लाह के दीन नबी के फरमान को अपने जिंदगी का रसूल ऐन बनाकर उन्होंने जिंदगी गुजारी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु वला तख़ाफू, तो वफात के वक्त फरिश्ते नाज़िल होते हैं अल्लाह की तरफ से, वो कहते हैं अल्लाह तख़ाफू, डरो मत, अब डरो मत, जो आगे तुम्हारे लिए कठिन मराहिल है, जो क्या जो अज़ाब है उसके बारे में तुम बेखौफ हो जाओ, तुम डरो मत, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, तुम गमगीन मत हो, तुम अपने पीछे जो औलाद छोड़ के जा रहे हो, जो बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, उन्हें भी यारो मददगार मत समझो, अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, इसलिए कि अल्लाह सुभानहू व तआला उन्हें ऐसे ही बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा, उन्हें ऐसे ही बे यारो मददगार नहीं छोड़ेगा, वह अबशिरू बिल जन्नतिल्लज़ी कुंतुम तुअदून, और तुम उस जन्नत की खुशखबरी ले लो, उस जन्नत की खुशखबरी हो तुम्हारे लिए जिसका तुमसे वादा किया जाता है, जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो जन्नत तुम्हें मिलने वाली है। दूसरी तरफ जब एक वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी कुफ्र शिर्क के पर गुजारा है, पूरी जिंदगी कुफ्र शिर्क के पर गुजारा है, अल्लाह उसे मुश्किल के वक्त भी याद नहीं आता था, अल्लाह मुश्किल के वक्त भी याद नहीं आता था, वलौ तराइदिल ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख्रिजू अन्फुसकुम अल्यौम तुज़ज़ूना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून। ज़ालिमीन ज़ालिम लोगों को आप देखेंगे आखिरी वक्त में, वलौ तराइदिल ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत मौत के सख्ती के वक्त वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम फरिश्ते हाथ फैलाए हुए कहते हैं अख्रिजू अन्फुसकुम, उसको उनकी रूहें दौड़ने लगती हैं, उनके जिस्म में रूहें दौड़ने लगती हैं, फरिश्ते पकड़ते हैं उसे, कहते हैं कि अपनी जान निकाल दो, दे दो हमारे हवाले कर दो, अल्यौम तुज़ज़ूना अज़ाबल हून तुम्हें दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, रुस्वाकुन अज़ाब तुम्हें दिया जाएगा, जब पूरी जिंदगी तुम्हें अल्लाह याद नहीं आया तो मौत के वक्त से ही ये इम्तियाज शुरू हो जाता है। मौत के वक्त अल्लाह सुभान व तआला ज़ालिमीन के साथ जो करता है वो मोमिनीन के साथ नहीं करता, अफ़नजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, बल्कि जब फरिश्ते अल्लाह के आते हैं तो मोमिनीन के लिए क्या होता है, मोमिनीन के लिए बेहतरीन किस्म का कफन, बेहतरीन खुशबू, ऐसी खुशबू के वैसी खुशबू रुए ज़मीन पर ना पाई जाए, बेहतरीन कफन वो लेकर फरिश्ते हाजिर होते हैं, और वो मैयत तो वो इस दुनिया से जाता है, लेकिन वो जाते जाते देखता है कि हद्द निगाह फरिश्ते मौजूद हैं जिनके पास उम्दा कफन है, उम्दा खुशबू है, उसके बाद उसकी रूह निकलती है, लेकर जहाँ जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं ये रूह किसकी है, ये रूह किसकी है, कितनी अच्छी और उम्दा खुशबू है, उसके सबसे बेहतरीन नाम से उसे याद किया जाता है कि ये फला और फला है, उसके बाद अल्लाह तक उसकी रूह जाती है, और उसके बरअक्स से जो बदका जो बुरे लोग होते हैं उनकी रूह एक बोरे में पैक की जाती है, टाट में पैक की जाती है, ऐसी बदबू आती है, ऐसी बदबू आती है कि जब भी जिस आसमान से गुजरते हैं फरिश्ते तो फरिश्ते खुदों से उस आसमान के फरिश्ते पूछने लगते हैं ये कौन कमबख्त है, ये कौन कमबख्त है कि जिससे ऐसी बदबू आ रही है, फरिश्ते जवाब देते जो दुनिया में सबसे घटिया नाम उसका होता है उस घटिया नाम से उसे याद किया जाता है। और ये सारी तफसील हज़रत बरा इब्ने आज़िम रज़ी अल्लाह तआला की मशहूर हदीस जो इब्ने माजा वगैरह के अंदर है उसमें मौजूद है।
तो सबसे बुरे नाम से याद किया जाता है, कहा जाता है कि ये और ये, ये और ये जो दुनिया में ये और ये काम करता था। तो अल्लाह सुभान व तआला इतिहास शुरू कर देता है कि जो दुनिया में अच्छा काम करता है उसकी मौत भी अच्छी होती है, और जो दुनिया में बुरा काम करता है उसकी मौत भी वैसे ही होती है। जरा हम अपने आप का मुहासबा करें कि मौत का ये वक्त, वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को इस बात की नहीं खबर है, किसी को इस बात की खबर नहीं है कि कब उसका आखिरी वक्त होगा, कब उसकी मौत हुआ क्यों होगी, ये किसी को नहीं पता है, ना हमें ना आपको, किसी को इस बात की खबर नहीं है। तो आदमी ऐसे आमाल में अपने आप को मुनहमिक किए रहता है, लगाए रहता है, और उसकी मौत अगर अल्लाह ना करे ऐसी हालत में आ जाए तो वो किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएगा, वो किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएगा। अचानक गाड़ी का हादसा हो जाता है और गाड़ी में म्यूजिक बज रही है, गाड़ी में म्यूजिक बज रही है, गाड़ी का हादसा हो जाता है। सऊदी अरब के अखबार में ये खबर आई थी जो अभी मैं कोट कर रहा हूँ, कि गाड़ी का हादसा होता है, मुरूर वाले जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो कहती है कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो, कहते तीन बंदे होते हैं, एक बिल्कुल करीब उलमर गया होता है, मरने वाला होता है, उसे मुरूर वाले कहते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ो, वो कहता है ना फी सकर, उसके मुंह से निकलता है फी सकर मैं जहन्नम में हूँ, वो चाहता कुछ उसके जुबान से बार बार निकलते हैं फी सकर, और यही सकर सकर का नारा भरते हुए दम तोड़ देता है। उसके दोनों साथी से पूछता है पुलिस वाला कि माजरा क्या है, मैं उसे कलमा की तलकीन कर रहा हूं, वो कह रहे फी सकर, अकुन तुम तुसल्लून, तुम लोग नमाज पढ़ते थे, अकुन तुम तुसल्लून, तुम लोग नमाज पढ़ते थे। कहता है उसका दोस्त है कि हम तीनों नमाज नहीं पढ़ते, उसका दोस्त कहता है कि हम तीनों नमाज नहीं पढ़ते थे, और ऐसी मौत की जो मौत ही इबरत बन जाए, गाड़ी का अचानक हादसा होता है, गाड़ी में आज डंके की चोट पर म्यूजिक लगाई है, चाहे मुसलमान हो मोहिद हो, तब भी उनको फिक्र नहीं कि अचानक क्या हो गया, ये शाम में किस शाम में क्या होगा, सुबह हमें नहीं पता था, या कल सुबह क्या होगा अभी हमें नहीं पता है। लोग अपनी जिंदगी में मस्त हैं और मौत ऐसी मौत उसकी इर्द गिर्द मंडला रही है, कब अपने अपने आगोश में लेने, किसी को इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कल तुम क्या करोगे ये पता नहीं है, किस जमीन पर और किस जगह तुम्हें मौत आएगी ये भी तुम्हें नहीं पता है। हम अपनी मौत को, अपने खात्मे को बेहतर बनाएं तो हमें अपने आमाल को सुधारना पड़ेगा, अगर हमें अपने खात्मे को बेहतर बनाना है तो हमें अपने आमाल को सुधारना पड़ेगा। अगर हम आमाल को नहीं सुधारते तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जब हम अच्छा काम कर रहे होंगे तभी हमें मौत आएगी, जब हम अच्छा काम कर रहे होंगे तभी हमें मौत आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। तो मौत की सख्तियों को याद कीजिए और उस वक्त के लिए तैयारी कीजिए, इसलिए कि मौत की सख्ती ऐसी है जिसको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। ये सैयदुल कौनैन, हम पूरे उम्मत के नबी, आखिरुल अंबिया वल मुरसलीन, और आखिरी वक्त वक्त है नबी अलैहिस्सलाम का, पाँच दिन से पहले का वक्त आप लीजिए कि मौत की बेचैनी और मौत की परेशानी शुरू होने लगती है। आप पाँच दिन पहले बुध के दिन नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को खिताब करना चाहते हैं, कुछ वाज़ो नसीहत करना चाहते हैं। तकलीफ इतनी होती है कि सहाबा इकराम से कहते हैं कि मुख्तलिफ कुओं के सात मशकीज़ें मेरे ऊपर बहाया जाए ताकि मेरे तकलीफ में कुछ कमी हो, मैं लोगों को मुखातब कर सकूँ। आपके ऊपर पानी बहाया जाता है, तकलीफ में कुछ कमी होती है, उसके बाद आप लोगों के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं बैठ कर, आप आखिरी मर्तबा मिंबर पर आप बैठते हैं, आप लोगों को मुखातब करते हैं, ये आपके ज़िंदगी की का आखिरी वाज होता है, आखिरी नसीहत होती है। ये मौत की नज़ा की कैफियत नहीं होती, लेकिन तकलीफ जो मौत तक पहुँचती है वो शुरू हो चुकी रहती है। आप आखिरी मर्तबा लोगों के सामने जाहिर होते हैं, लोगों को बहुत सारी नसीहत करते हैं, सबसे पहली नसीहत आप लोगों को करते हो, कहते हैं लअनल्लाहु अल-यहूद वन-नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद, यहूद नसारा पर अल्लाह की लानत, उन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, फला तत्तखिज़ु क़ब्री वतनी उबद, मुसलमानों तुम मेरी कब्र को ईद की जगह ना बनाना, मेला ठेला कब्र पर ना लगाना, मेरी कब्र की इबादत ना करना, मेरी कब्र की इबादत ना करना, इसलिए कि यहूद नसारा पर लानत इसीलिए बरसी कि उन लोगों ने अपनी अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तकलीफ शुरू है, आप लोगों को और भी नसीहतें करते, उसके बाद जरा और आगे दिन बढ़ता है,
आपको इस बात का एहसास होता है कि दुनिया में मेरी मौत से क्या हंगामा बरपा होने वाला है। हुजरत आयशा का पलदा आप उठाते हैं, लोगों को देखते हैं कि लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं। आप हजरत आयशा से कहते हैं, एक हदीस बयान करते हैं, आप कहते हैं कि मेरी उम्मत में जिस आदमी को भी कोई तकलीफ पहुँचे, फलियतअज़्ज़ा बी मुसीबती, तो वो मेरी उस मुसीबत को याद करके अपने मुसीबत को हल्का करे। जब उसके किसी अजीज व अकारिब के मौत की खबर पहुंचे तो वो मेरी मौत को याद करे। कि नबी की वफात सिर्फ एक नबी की वफात एक इंसान की वफात नहीं थी, इसलिए कि नबी की वफात ही वही का सिलसिला कटना था, खत्म होना था। जब वो अबू बकर और उमर उम्मे ऐमन के पास पहुंचती है और जाकर उन्हें दिलासा देते हैं, तो उम्मे ऐमन का यही तारीखी जुमला होता है कि मुझे रोना इस बात पर नहीं आ रहा है कि मोहम्मद की वफात हो गई अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रोना इस बात पर आ रहा है कि आसमान से जो ताल्लुक था, जो वही का जो सिलसिला था, आज वो वही का सिलसिला कट गया। वही का जो सिलसिला था वो वही का सिलसिला बंद हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा से कहते हैं कि जब किसी को कोई तकलीफ पहुंचे तो वो मेरी मौत को याद करके अपनी तकलीफ को हल्का करे, क्योंकि मेरी उम्मत में किसी को भी कोई भी मुसीबत पहुंचे वो मेरी मौत से ज्यादा सख्त नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम को उसके बाद आखिरी दिन आता है, आखिरी दिन जिस दिन आपका इंतकाल होता है, आपके सामने पानी रखा होता है एक प्याले में पानी रखा होता है। आपके ऊपर सख्ती देखिए कि जब नबी की ये हाल है तो एक आम इंसान की क्या हैसियत है। जो इंसान गुनाहों में घिरा हुआ है उस इंसान की क्या हैसियत हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा कहती हैं कि आपका सर मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे, आपके सामने पानी था, आप उसमें हाथ डालते हो, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल्मौति सकरात, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, मौत की बहुत सकती है। कौन कह रहा है? ये हम सब के नबी कह रहे हैं जिनकी सारी गुनाहें माफ़ है अभी और पिछली। वो जात कह रही है कि इन्ना लिल्मौति सकरात, मौत की बहुत सख्ती है। हज़रत आयशा कान लगाती है, आपका जब आपकी रूह परवास करने लगती है, आपकी ज़ुबान से जुमला निकलता है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझ पर रहम करो, वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, मुझे रफ़ीक़े आला में पहुँचा दे। हज़रत आयशा कहती है कि आखिरी जुमला आप तीन मरतबा कहते हैं बिर्रफ़ीक़िल आला, उसके बाद आपकी निगाह ऊपर की तरफ हो जाती है और आपकी रूह परवास कर जाती है। ये किसकी हालत थी? ये हम सब के नबी की हालत थी। तो एक आम इंसान जब इस दुनिया से जाने वाला होता है तो उसकी क्या कैफियत हो, ये हम अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तकरीर में शुरू में कहा कि अगर मामला यहीं पे ख़त्म होता तो वक्ती मुसीबत, आदमी सोचता ही है कि वक्ती मुसीबत ख़त्म हो गई, उसके बाद जो अगला मरहला है वो उससे ज़्यादा सख्त है। जो मरहला है वो कब्र का मरहला है। इंसान जब कब्र में जाता है, कब्र में जाने के वक्त की कैफियत सोचिए कि इंसान जब कब्र में जाता है उसके सारे अज़ा अक़रबा जितने भी करीबी रिश्तेदार हो सब उसे छोड़ कर आने लगते हैं। और उसकी बेबसी की कैफियत देखिए कि वो सारे लोगों के जाते वक्त उनके जूतों की आवाज़ सुनता है कि सब जा रहे हैं, उनके जाते वक्त वो जूतों की आवाज़ सुनता है कि वो सब जा रहे हैं मुझे छोड़कर। उसके बाद इंसान के सारे काला चिट्ठा जो कुछ वो करता है वो सब अल्लाह सुभान व तआला उसी हिसाब से उसका हिसाब व किताब करता है। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब कब्र का तस्करा करते तो रोने लगते थे। उनके ग़ुलाम ने कहा कि आप जन्नत व जहन्नम का तस्करा करते नहीं रोते, कब्र का तस्करा करते रोने लगते। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से यह सुना कि इन्नल क़ब्र अव्वल मनाज़िलिल आख़िरा, कब्र ये आख़रत की पहली मंजिल है, कब्र ये आख़रत की पहली मंजिल है, जो उसके बाद ही वो तो और मुश्किल है। फ़मन नजा मिन्हु फ़मा बादहु अयसर, जो आदमी कब्र से छुटकारा पा गया, कब्र से नजात उसे मिल गई, उसके बाद तो उसके लिए ज़्यादा आसान मरहला है, और जो आदमी कब्र में ही फंस गया उसके बाद तो उसके लिए और मुश्किल मरहले सुने होने वाले। तो ऐसे आमाल इंसान करे जो आमाल उसे कब्र की ज़िंदगी में फ़ायदा दे, ऐसे आमाल इंसान करे जिस आमाल की वजह से उसे आखरत में रुसवा ना होना पड़े।
इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को बार बार इस बात को याद दिलाया कि इस्तईदु लिमिस्लि हाज़ल यौम, इस दिन के लिए तुम तैयारी करो, इसलिए कि ये दिन, इस दिन को सबको झेलना है, सबको झेलना है, और उसी के मुताबिक अल्लाह सुबहानहू व तआला कब्र की ज़िंदगी देगा। कब्र का दबोचना हर इंसान को होगा, लेकिन उसके बाद का मरहला क्या होगा? हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लौ नजा मिन्हु लनजा साद इब्ने मुआज़, कि अगर कोई कब्र के दबोचने से बचता तो वो साद इब्ने मुआज़ होते। और साद इब्ने मुआज़ इहतज़्ज़त लहु अर्शुर रहमान, उनके वफात पर अल्लाह का अर्श हिल गया। वतशय्या लहु सबउल अल्फ मिन अल मलाइका, 70,000 फरिश्तों ने उनके जनाजे में शिरकत की, उसके बावजूद कब्र ने एक मरतबा उन्हें दबोचा। तो अगर कोई आदमी बचता तो वो साद इब्ने मुआज़ बचते, लेकिन वो भी नहीं बच सके तो बाकी इंसानों की क्या हाल है? उसके लिए कब्र की ज़िंदगी में अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम दिखाया जाएगा, जहन्नम दिखाया जाएगा, और जन्नत भी दिखाई जाएगी, जन्नत दिखाई जाएगी, और ये कहा जाएगा कि ये जन्नत है जो तुम्हारा ठिकाना हो सकता था, जो तुम्हारा ठिकाना हो सकता था अगर तुम नेक आमाल करते, लेकिन अगर तुम लोग, लेकिन जब तुमने नेक आमाल नहीं किया तो ये जहन्नम है जिसकी हवाएं हैं, जिसकी, जिसका सारा अजाब है, जिसमें तुम्हें हमेशा रहना है, जिसमें तुम्हें हमेशा रहना है, और ये जन्नत है अगर तुम नेक आमाल करते तो ये तुम्हारी हमेशगी की ज़िंदगी होती, ये तुम्हारी हमेशगी की ज़िंदगी होती। उसके बाद अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि उसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो, जहन्नम की जो गर्म हवाएं उसका दरवाज़ा खोल दो इसके लिए कब्र में, और जो मुत्तकी और परहेजगार होगा उसके लिए कहा जाएगा इफ्तहू लहू बाबा मिनल जन्नत, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, हद निगाह तक कब्र को खोल दो, कुशादा कर दो उसके लिए, हद निगाह तक कब्र को उसके लिए कुशादा कर दो। क्योंकि दुनिया में उसके पास वक्त था, दुनिया में उसके पास वक्त था अपने कब्र की ज़िंदगी को संवारने के लिए, दुनिया में उसके पास वक्त था आखिरत की ज़िंदगी को संवारने के लिए, इसलिए कि ये मरहले बहुत ही मुखीफ और भयानक है, ये मरहले बहुत ही ख़तरनाक और भयानक है। बड़े बड़े सहाबा जिन्हें नबी की सोहबत मिली थी, जब इन मराहिल को और इन औकात को याद करते थे तो इस तरह रोते थे कि लोग परेशान होते थे कि मामला किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी जिन्हें बशारत दी गई कि जी ये जन्नत में जाने वाले हैं, अशराए मुबशरा में से, हज़रत उमर ने सूरह तूर को पढ़ना शुरू किया, वत्तूर व किताबी मस्तूर फी रक़्क़िन मंशूर वल बैतिल मअमूर व सक़्फिल मरफू वल बहरिल मसजूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ, अल्लाह का अज़ाब ऐसा है जो वाक़िअ होने वाला है, फिर उसको कोई नहीं हटा सकता। यौमा युदाउन इला नारी जहन्नम दा, जिस दिन धक्का देकर जहन्नम की तरफ लोगों को भगाया जाएगा। कहते हैं हज़रत उमर पढ़ते हैं इन आयात को, पढ़कर इस तरह उनकी कैफियत हो जाती है कि लोग आयादत करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि उन्हें हुआ क्या है। ये आयात इस तरह उनके दिलों में असर करती थी, ये आयात इस तरह उनके दिलों में असर करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जब नज़ा की कैफियत तारी होती है, आखिरी वक्त होता है, रोने लगते हैं लोग, उनसे कहते हैं, उनको दिलासा देते कि आप सबसे ज्यादा हदीस किसी से मरवी है तो अबू हुरैरा है, आप अब हदीस की किताबें जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनसे पूछिए सबसे ज्यादा हदीस मरवी है तो अबू हुरैरा से। पूरी जिंदगी इस बंदे ने अल्लाह के नबी के हदीस को सुनने के लिए वक्फ़ कर दिया था। मस्जिद नबी का एक चबूतरा था और इनकी ज़िंदगी थी, असहाबे सुफ़ा में वो लोग जिनके पास एक कपड़ा सही से नहीं था, दीन के लिए मामूली कुर्बानी नहीं दी। अबू हुरैरा उनमें से थे जिन्होंने नबी की हदीस को सुनने के लिए वक्फ़ कर दिया था अपने आप को। असहाबे सुफ़ा की हालत ये थी कि अगर ऊपर कपड़ा कर लेते तो नीचे की शर्मगाह बसा औकात खुल जाती। अबू हुरैरा वो थे, उसके बावजूद आखिरी वक्त ये रो रहे हजारों के तार, लोग कह रहे आपने नबी की सोहबत मिली है, नबी की हदीस को आपने रिवायत की, उसके बाद आपकी हालत ये। कहते मुझे आगे के जो मराहिल हैं उन मराहिल के बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता है कि मेरे कौन से अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल किए जाएंगे, मुझे ये नहीं पता है कि कब्र में मेरे साथ क्या मामला होगा, मुझे ये नहीं पता है कि कल के दिन रब्बे जुलजलाल के सामने जब वकूफ होगा, पुल सरास से गुजर जब होगा तो हमारे साथ मामला क्या होगा, मुझे इन सारे बातों का इल्म नहीं है। ये अबू हुरैरा थे जिनके नाम अमाल में नेकियाँ थी,
ये हम हैं जिनके जिनका नाम है आमाल कोरा और खाली है, जिनमें नेकियों का कोई ज़खीरा नहीं है, और उसके बाद हमारे ज़िंदगी का आलम ये, हमें अपने हालात का, अपने आमाल का मुहासबा करने की ज़रूरत है। तन्हाई में बैठ कर हम चंद वक्तें निकालें, चंद पल निकालें और सोचें कि अभी आँखें बंद हो जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसी मौत हो, अभी आँखें बंद हो जाए, हमें तौबा का मौका ना मिले, तो हमारा मामला अल्लाह के यहाँ क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, ये हम बेहतर जानते हैं। हम अपने बारे में जानते हैं, हमारे राजों का मुहाफिज अल्लाह है, अल्लाह जानता है कि हमारे अमाल क्या है, हम क्या कर रहे हैं। कबल इसके कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त तारी हो, हम अपने अमाल का मुहासबा कर लें, हम अपने अमाल का मुहासबा कर लें, इसलिए कि इन हालात से दो चार हर इंसान को होना है। वअम्मा मन खाफ़ मकाम रब्बिही वनहा नफ्सा अनिल हवा फ़ैज़ल जन्नत हियल मअवा। ख्वाहिशात हर तरफ है, ख्वाहिशात हर तरफ है, जो ख्वाहिशात पर काबू पर पाकर, ये सोच कर काबू करता है अपने ख्वाहिशात पर कल अल्लाह के सामने उसे खड़ा होना है, ऐसे ही लोगों का ठिकाना जन्नत है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तो हमारे आमाल की इस्लाह कर दे, हमें मौत को याद करने की तौफीक नसीब फरमा, हमारे दिलों में नरमी पैदा कर दे, हमें आखरत की फ़िक्र करने वाला बना दे रब्बुल आलमीन, हमारे पोशीदा ज़िंदगी की इस्लाह फरमा दे, हमारी पोशीदा ज़िंदगी की इस्लाह फरमा दे रब्बुल आलमीन। जिन मुहल्लमात में हम मुलव्वस हैं, जिन मुहल्लमात के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर रही है रब्बुल आलमीन, तो हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे रब्बुल आलमीन, तो हमें मौत से पहले तौबा की तौफीक इनायत फरमा दे, हुस्न खात्मा नसीब फरमा रब्बुल आलमीन, तो हमें हुस्न खात्मा नसीब फरमा, मौत से पहले हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा, जो इस दुनिया से चले गए तो उनकी मगफिरत फरमा, उन्हें आला इल्लीन में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर, और जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए, सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए, तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।